नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे उज्जैन से। हम खबर के उज्जैन में डबल मर्डर मामले में एक्शन लिया गया। पुलिस ने बरामद किया चोरी का सामान, जहां आरोपियों के पास से बरामद किया सामान, वारदात में इस्तेमाल हथियार भी जब्त किया गया। मंगलवार को पुलिस ने किया था हत्याकांड का खुलासा। 3 दिन पहले हुई थी बीजेपी नेता की हत्या। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं उज्जैन से, जहां डबल मर्डर मामले में एक्शन लिया गया। पुलिस ने बरामद किया चोरी का सामान। संवाददाता अजय पटवा जुड़ गया। अजय, चोरी का सामान बरामद हो गया डबल मर्डर में, बड़ा एक्शन पुलिस ने लिया है? ये देखिए, उज्जैन के नरवल थाना क्षेत्र में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष रामनिवास कुमावत की हत्या कर दी गई थी। गांव के ही चारों युवक इन्होंने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था और चोरी के इरादे से घर में घुसे थे। इसके पहले भी कई बार वो इसी वारदात को अंजाम दे चुके थे। छोटे मोटे सामान उनके बाड़े में से चुरा कर ले गए थे। जिनको लगा कि ऐसा में कुछ नहीं हो सकता है, तो इसको देखते हुए उन्होंने बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। वहीं तिजोरी में भारी भरकम थी, तो इस कारण उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे, पर घर में छोटा मोटा जो सामान था वो सब चुरा के ले गए थे। वहीं पुलिस ने अब जो जिससे हथियार से हत्या की गई थी, वो हत्या का सामान और साथ ही जो चोरी किया हुआ सामान सब जब्त कर लिया गया है। अब पुलिस ने आरोपियों का रिमांड मांगा है और भी कई खुलासे करने के लिए और भी जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस कोर्ट से जो है रिमांड इनका मांगेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अजय जानकारी के लिए। तो अब आरोपियों के पास से बरामद किया गया सामान जब्त कर लिया गया है। और चलिए अब अगली अहम खबर का हम रुख करेंगे। बात करेंगे दमोह से बड़ी खबर के, जहां गुड शेफर्ड स्कूल में धर्मांतरण को लेकर विवाद हुआ। बीआरसी ने स्कूल पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान कुछ किताबों को किया गया जब्त। शिक्षकों के बीच विवाद की बात कही गई है। जांच के बाद होगी कार्रवाई। पहले भी स्कूल पर धर्मांतरण के आरोप लगे थे और एक बार फिर से पूरा मामला सामने आया है, जहाँ पर आप देखेंगे शिक्षकों के बीच विवाद की बात सामने आई है और पहले भी धर्मांतरण जैसे आरोप इस स्कूल में लगते आए हैं। बड़ा मामला है दमोह का, स्कूल में धर्मांतरण को लेकर विवाद। ये जो संस्था है लगभग 10-12 वर्षों से पथरिया में काम कर रही है और इनका उद्देश्य ये है कि शिक्षा की आड़ में धर्मांतरण का काम करना। चूँकि शिक्षा का मामला है, कई सारे अभिभावक बच्चों को पढ़ाते हैं विद्यालय में। विषय ऐसा उठ के आया कि यहाँ एक हिंदू टीचर है रविशंकर जी, तो रविशंकर जी यहाँ पढ़ाते हैं। संस्था के कुछ ऐसे काम थे जिनका रविशंकर जी ने विरोध किया, जैसे यहाँ बाउंड्री वाल नहीं थी, बच्चों के लिए निकलने के लिए रोड भी ठीक नहीं था और ऐसे कई साहित्य यहाँ विद्यालय में लाए गए जो मतलब उनके धर्म का प्रचार प्रसार था, तो उसके मामले में भी रविशंकर जी ने मना किया। और जब ऐसा सब सारा हुआ तो रविशंकर जी के साथ इन लोगों ने क्या किया कि जून में ट्रांसफ़र कर दिया, लिखित में कोई लेटर भी नहीं दिया और पिछले 6 महीने से उनको टारगेट कर रहे हैं। अभी हमारे अभिभावक जो इस विद्यालय से जुड़े हैं उनकी एक बैठक हमने आयोजित की है और आप सभी के समक्ष अभिभावकों ने अपने विचार रखे हैं। जो भी यहाँ का मामला है वो आपसी शिक्षकों की विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर जो शिक्षक पदस्थ हैं उनके बीच में सामंजस्य की कमी दिख रही है और उसका जो है प्रभाव जो है बच्चों पर पड़ रहा है। ये जो माहौल है यहाँ पर सकारात्मक माहौल नहीं है, ऐसा देखने में आ रहा है। और संवाददाता आशीष जुड़ गया। आशीष, यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि सकारात्मक माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। स्कूल में धर्मांतरण को लेकर विवाद हुआ, पूरा मामला बताएं। रीनू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार दमोह में धर्मांतरण के मामलों को लेकर के मामले सामने आ रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर जयलाल और MICS इस तरह से मामला जो था बाल भवन में मामला था, वहीं गंगा यमुना स्कूल का मामला दमोह जिले का ही था। तो अभी वहीं अब दमोह जिले के पथरिया का गुड शेफर्ड यह स्कूल है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा संचालित किया जाता है और यहाँ पर भी धर्मांतरण की बात कही जा रही है। हालांकि इस मामले की बात सामने आने के बाद BRC जो शिक्षा विभाग से अधिकारी हैं वहां पर जांच करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर शिक्षकों के विवाद की बात भी सामने आई है और यह भी आरोप लगाए गए कि वहां कुछ पुस्तकों के माध्यम से बच्चों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता था, वहीं शिक्षकों को भी धर्मांतरण के लिए दबाव लगाया जाता है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि विभाग के द्वारा जो जांच की गई उसमें कुछ पुस्तकें उनके द्वारा बरामद की गई हैं, उनकी जांच करने के बाद अधिकारी कह रहे हैं।
क्योंकि दमोह में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, इसलिए इसको माना जा रहा है कि यहाँ पर भी धर्मांतरण का मामला हो सकता है। स्कूल की कुछ गतिविधियां भी कुछ अलग तरह की हैं जिसको संदिग्ध कहा जा सकता है और धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। हालांकि जानकारी और जाँच के बाद ही पूरे मामले का बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका आशीष तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख बात करेंगे शिवपुरी की। शिवपुरी में बड़ा हादसा टला, सरकारी स्कूल के किचन की गिरी छत, स्कूल में छुट्टी के बाद छत गिरी, खरीला गांव की घटना सामने आई है। तो आप ये देखिए, स्कूल में बड़ा हादसा टला, शिवपुरी में सरकारी स्कूल के किचन की छत गिर गई। गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। किचन की छत गिरने के बाद अब देखा यह जा रहा है कि कैसे मरम्मत की जा सकती है, लेकिन पूरा जर्जर ये छत लग रही है और खरीला गांव का पूरा मामला सामने आया।